मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिनका चुनाव प्रचार बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। रोड शो आज कई जगह पर है। आपको हम सबसे पहले नारायणगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके बाद सीधे लाइव तस्वीरें भी आप देखेंगे जो कि पुंडरी से आ रही हैं। दो तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। ये तस्वीरें नारायणगढ़ की थी, अब सीधे लाइव तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये देखिए आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जो कि तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। पुंडरी कैथल से तस्वीरें सामने आई हैं, सुबह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक उनके साथ हैं, सीएम की पत्नी सुमन सैनी नारायणगढ़ में मौजूद थी, अब बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ ही पुंडरी में मौजूद हैं। तो सभी पूरी तैयारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव प्रचार में ताकत झोंक चुके हैं। दो तस्वीरें देखिए आप, एक तरफ पुंडरी, दूसरी तरफ नारायणगढ़ और अन्य जगह की तस्वीरें, जिसमें देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तेज रफ्तार से प्रचार को तेज धार दे रहे हैं ताकि विरोधियों को चित्त की अदास के, लेकिन समय बताएगा जनता इस प्रचार के जरिए क्या अपना वोट भी ट्रांसफर करती है नहीं। अक्टूबर का महीना बहुत से सवालों के जवाब देगा, लेकिन चुनौतियां बेशक हैं पर हौसले बुलंद हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के, क्योंकि बीजेपी को चुनाव लड़ना आता है। हर चुनाव को बहुत गंभीरता से बीजेपी लड़ती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां बीजेपी को चुनौती दे रही हैं। क्या इस तरह के रोड शो से जनता के दिल में जगह बना पाएंगे मुख्यमंत्री? बीजेपी के लिए जो प्रचार किया जा रहा है, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए जो आने वाले वक्त में चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या कामयाबी मिलेगी मुख्यमंत्री को? क्योंकि इस समय चेहरा नायब सिंह सैनी का हरियाणा में है आने वाले वक्त के लिए भी, और कई वायदे किए गए हैं चुनावी वायदों के जरिए। क्या बीजेपी को सत्ता तीसरी बार भी हासिल हरियाणा में लगातार हो पाएगी? ऐसे सवाल है जैसे कि हमने बताया, अक्टूबर महीने में जवाब जरूर मिलने वाले हैं। इन तस्वीरों को हम दिखाते रहेंगे।